गांधीनगर पुलिस ने डकैती के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कागजात और चोरी की गई तिजोरी हुई बरामद। लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था आरोपी। पूर्वी दिल्ली में बढ़ रहा है आवारा पशुओं का आतंक। नगर निगम प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। करोड़ों रुपए का मिलता है ठेका। सीमापुरी इलाके में सक्रिय एक स्नैचर गिरफ्तार। छीना गया मोबाइल फोन बरामद। आरोपी पर पहले से दर्ज है एक मामला। प्राइवेट स्कूलों में हर साल बढ़ाई जाती है फीस। टीचर्स का कहना, वाजिब तरीके से बढ़ाते हैं फीस। एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पर भी डालते रहते हैं डिटेल्स। मानक विहार में डीडीए द्वारा बने पार्क की हालत बदहाल। खराब पड़ी हुई है लाइट्स। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा में आता है ये पार्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शारदा डिस्ट्रिक्ट के गांधीनगर पुलिस ने डकैती के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को सुलझाने और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एसएचओ गांधीनगर की देखरेख में एक समर्पित टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज में अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहने हुए ताला तोड़ते हुए देखा गया था। हालांकि एक बिंदु पर चोर ने अपना हेलमेट हटा दिया, जिससे उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। टीम ने संदिग्ध का पता लगाया। संदिग्ध लगातार ठिकानों और मोबाइल सिम कार्ड बदलकर पकड़ से बचता रहा। इस दौरान उसने लाहौरी गेट के इलाके में कई चोरी की। आखिरकार संदिग्ध को राजस्थान के अजमेर में लाहौरी गेट की टीम ने पकड़ लिया। आरोपी की एक दिन की पुलिस हिरासत हासिल की गई और लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी ने जानकारी दी, जिससे दुकान के मालिक से संबंधित कुछ कागजात और चोरी की गई तिजोरी बरामद हुई। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर वार्ड और आनंद विहार वार्ड सहित कई जगहों पर पिछले कई दिनों से आवारा पशुओं को लेकर कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बता दें कि आवारा पशु खुले में ना घूम सके, इसके लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से सालाना करोड़ों रुपए का ठेका दिया जाता है। इसके बावजूद भी प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रहा है। इसी को लेकर जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि सड़कों पर आवारा पशुओं और गायों के द्वारा हो रही दुर्घटनाओं से कई लोग घायल हो रहे हैं। बावजूद इसके भी नगर निगम नहीं जाग रहा है। नगर निगम की नाकामी साबित करने के लिए यह काफी है। निगम क्षेत्र में खुले घूम रहे पशु और शहरी क्षेत्र में संचालित डेयरियों को लेकर सजगता नहीं दिखा रही है। अगर आवारा पशु खुलेआम ऐसे ही उत्पात मचाते रहे तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शाहदरा जिला की सीमापुरी थाना पुलिस की क्रैक टीम ने इलाके में सक्रिय एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से छीना गया एक मोबाइल बरामद हुआ है। शाहदरा जिला के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान न्यू सीमापुरी निवासी इरफान के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि 26 मार्च को दिलशाद कॉलोनी के जैन मंदिर के पास मोबाइल स्नैचिंग की शिकायत मिली थी। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे आरोपी इरफान की पहचान हो गई और उसे गुप्त सूचना के आधार पर न्यू सीमापुरी की झुग्गी बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी एक पेशेवर अपराधी है, उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला पहले से दर्ज है। दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में 1 अप्रैल से नए सेशन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में स्कूलों द्वारा हर साल फीस पर मनमाने तरीके से बढ़ोतरी करने पर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाते हुए उन स्कूलों को अपनी बढ़ी हुई फीस का पूरा ब्यौरा देने की बात कही है। आपको बता दें कि स्कूल मनमाने तरीके से हर साल फीस में बढ़ोतरी करते हैं, जिसकी कई बार पेरेंट्स द्वारा शिकायत भी की जाती है। इस पर जब हमने कुछ स्कूलों में जाकर जायजा लिया तो उन्होंने बताया कि अगर स्कूल वाजिब तरीके से फीस बढ़ाते हैं तो उससे ना ही पेरेंट्स को और ना ही सरकार को कोई दिक्कत होती है और हम अपनी सभी डिटेल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पर भी डालते रहते हैं। लेकिन जो भी स्कूल गलत तरह से फीस में बढ़ोतरी करते हैं उस पर जरूर विभाग को सख्ती करनी चाहिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, पहला। इसी के साथ दूसरी जो मेरी ओपिनियन है कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम फीस एनहांस करने की परमिशन दे दी जो रीज़नेबल है, अगर तो उसे हम रिपोर्ट्स तो सबमिट करते ही हैं तो उसकी परमिशन के लिए एक लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। ये तो अंडरस्टूड है कि भाई हर साल हर फील्ड में मार्केट में महंगाई बढ़ी रही है,
तो उस हिसाब से जो मिनिमम मान लिया 5-7% फीस बढ़ती है अगर, तो उसमें और उसकी भी इंफॉर्मेशन हम सब सबमिट करते ही हैं सभी स्कूल वाले, तो उसके लिए परमिशन लेने का जो प्रोसेस लंबा प्रोसेस है मेरे ख्याल उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने फीस जो है 5% बढ़ाई है, जो कि सबसे कम है। सरकार को सभी पक्षों को देखना होता है, जनता का कल्याण भी होना चाहिए और स्कूलों को भी कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, यही नीति सबसे उपयुक्त है। पब्लिक स्कूल भी जनता की भलाई के लिए ही खोले गए हैं, चलाए जा रहे हैं, लाखों बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए डीडीए द्वारा अलग अलग स्थानों पर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए पार्कों का निर्माण किया गया है, लेकिन पूर्वी दिल्ली के मानक विहार में बने पार्क की हालत इस कदर है कि ना बच्चों के लिए झूले हैं, जो हैं वो भी टूटे हुए हैं। पार्कों की स्वच्छता के लिए डस्टबिन लगे हैं, लेकिन अवैध क्रियाओं के कारण उसमें कूड़े की जगह शराब की बोतलें मौजूद है। यहाँ पब्लिक सुविधा के लिए टॉयलेट बना है, लेकिन टॉयलेट सीट भी टूटी हुई है। आपको बता दें कि जब संवाददाता ने पार्क के कर्मचारियों और वहां की जनता से बात की, तो उन्होंने बताया कि रात को यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ की लाइट्स खराब हैं, जिसके कारण से डार्क स्पॉट बन जाता है। आपको बता दें कि यह पार्क पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर विधानसभा में आता है। तो उस पर कहना क्या, वो तो होना नहीं चाहिए, गलत हो रहा है, वो तो जो रोकना चाहिए उसे। तो नहीं, हम दिन में ही आते हैं, बस ऑफिस के सामने दिन में ही आते हैं, हम रात में नहीं आते। अगर बाई चांस हम अपने एरिया के पार्क की बात भी करें, वहाँ पे अगर डार्क स्पॉट होगा तो क्या रात को महिला को जाना सुरक्षित होगा? नहीं नहीं, सुरक्षित नहीं होगा। वो तो झूले टूटे पड़े, होली के टाइम पे झूले थे, यहाँ पर सब टूट गए, सारे झूले खत्म हो गए। अब एक भी झूला नहीं, आप देख सकते हैं एक भी झूला नहीं है, बच्चों का कुछ है ही नहीं यहाँ पर। पर चाहते नहीं मैक्सिमम शाम के समय, नहीं सही नहीं है, मना करूँगा, क्योंकि यहाँ पर रोशनी भी, लाइट भी नहीं रहा। शाम के समय कभी भी आओगे आपको भी लाइट नहीं मिलेगी यहाँ पर, हमेशा अंधेरा मिलता है। ये आपका क्या नाम है, शेष विहार समझ लीजिए, शेष विहार, योजना विहार और मानक विहार, तीनों का एक ही पार्क है। अभी मैं मौजूद हूँ डीडे द्वारा संचालित जो पार्क है पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में, ये आता है और यहाँ पर तमाम ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसको सुरक्षा कहीं ना कहीं चूक नज़र आती है। आज जब हमने इस पार्क का जायज़ा लिया और लोगों से बात करी, तो उन्होंने ये बताया कि रात्रि जो रात का माहौल है वो एकदम महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। वहीं दूसरी ओर बच्चे जो खेलने के लिए अपने पार्क को चुनते हैं कि रोड साइड उनके एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो पार्क में आके खेलते हैं, लेकिन पार्क में छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, उनके लिए जो सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है वो कहीं ना कहीं मुझे चरमराई क्या टूटी नज़र आ रही है। देख सकते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं, ना वहाँ पर चैन भी नहीं है और नीचे बैठने के लिए सीट भी नहीं है। यहाँ पर तमाम ऐसी हैं कि यहाँ पर जो पार्क में महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं अपना समय बिताने के लिए, तो वो संचालित डीडीएस द्वारा संचालित एक शौचालय भी बना हुआ है, लेकिन जहाँ पर जेंट्स टॉयलेट के अंदर पोर्ट भी टूटा हुआ है। वहीं जब हमने देखा तो यहाँ पर जो डस्टबिन है वहाँ पर दारू की बोतलें पाई गई, तो ऐसे माना जा सकता है कि आने वाले समय जो शाम का वक्त होता है सुरक्षित नहीं है, और यहाँ पे स्ट्रीट जो लाइटें लगी हैं वो भी नहीं चलती हैं, तो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। और जो जनता का कहना है कि यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं वो अवैध होती हैं, जिस पे सरकार को देखना चाहिए और रोक लगानी चाहिए, इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठान, SECN दिल्ली। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें जारी हैं। सीमापुरी इलाके के दिलशाद कॉलोनी में दो बदमाशों ने सरेरा ऑटो रोककर चाकू की नोक पर सवारी से फोन लूटा और फरार हो गए। DCP शादा सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि सीमापुरी पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर आरोपी सलमान और जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। सलमान पर पहले से 4 केस दर्ज हैं, जबकि जाकिर एक केस में वांटेड है। पीड़ित गौतम अशोक बिहार के वजीरपुर गांव में किराए पर रहते हैं। SI भूमेश्वर यादव और राहुल की टीम ने आसपास के CCTV की फुटेज खंगाली, जिसके जरिए दोनों आरोपियों की पहचान हुई। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब है। बात करें अगर गीता कॉलोनी 4 ब्लॉक की, तो यहाँ की रोड की हालत बेहद खराब है, साथ ही इस रोड पर काफी ट्रैफिक भी रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत काफी खराब है, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, साथ ही टूटी सड़क के कारण धूल भी उड़ती रहती है। इस सड़क के पास स्कूल और हॉस्पिटल दोनों है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं किया जाता है। जो यहाँ सड़क की हालत है बहुत खराब है, बहुत गाड़ियाँ निकलती है यहाँ से, बहुत परेशानी होती है यहाँ पर लोगों को। कई लोग तो कुत्ते भी यहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, लोग गिरते हैं। सड़क के खड्डे इतने हैं, पानी भर जाता है बरसातों में, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। कई लोग वैसे कुत्तों के डर से भी गिर जाते हैं। सड़क ख़राब तो है ही है, नहीं नहीं, जब खड्डों से गाड़ी निकलती है, किसी की आवाज़ आती है, कोई गिर जाता है, तो कुत्ते और पीछे भाग जाते हैं, उस वजह से भी यहाँ लोगों को बहुत परेशानी है। ये सड़क 4 ब्लॉक और 2-3 ब्लॉक और 8 ब्लॉक तक कवर करती है।
हालत बहुत ख़राब है। जब बारिश आ जाती है यहाँ इतना इतना गोडे तक पानी भर जाता है, नाले भर जाते हैं और बहुत दिक्कत होती है रिक्शे वालों को भी। लेकिन तब भी आप ये देखें ना, पास में स्कूल है, साथ में स्कूल के बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है गाड़ियाँ निकालने में भी। पार्किंग एरिया बहुत है यहाँ, बहुत भीड़ हो जाती है। पलट जाने का एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। एक एक कदम पे गड्ढे हैं, ना कुछ ध्यान जाता है, देता देता है, वोट जीत के अपना जीत जा के घर पे बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते। हर बाजार में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं। आपके सामने ये देखो, यहाँ से निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, आप गड्ढे गड्ढे देखो, नालियाँ भरी पड़ी हैं, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, कोई है ही नहीं किसी को। कोई सड़कें सड़क ध्यान दें, कोई बनाए इसको, कोई सफाई देखें, कुछ नालियाँ वालियाँ देखो, आपके सामने ही है देखो नालियाँ, कोई सफाई करने वाला है नालियाँ। गांधीनगर पुलिस ने दो स्नैचरों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ झील चौक गांधीनगर से लाल क्वार्टर कृष्णा नगर अपने घर जा रहा था, और जब वे गली नंबर 3 राजगढ़ पहुंचे तो पीछे से स्कूटी पर सवार दो लोग आए, उनका फोन छीन लिया और भाग गए। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि दोनों आरोपी हरे और काले रंग की TVS N-Torq स्कूटी पर सवार थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयासों में CCTV फुटेज का विश्लेषण किया गया और अपराधी के बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए मुखबिरों को तैनात किया गया। CCTV फुटेज का विश्लेषण करने के बाद अपराध में इस्तेमाल की गई स्कूटी की पहचान की गई और उसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी द्वारा लिया गया रास्ता तैयार किया गया। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस टीम सीलमपुर पहुंची और सीलमपुर और आसपास के इलाके में गहन तलाशी ली गई। इस दौरान वहीं स्कूटी एक घर के बाहर खड़ी मिली। स्थानीय पूछताछ में पता चला कि स्कूटी का इस्तेमाल इसरार और अफरोज खान कर रहे थे, जो कभी कभार उस पते पर आते थे जहां स्कूटी खड़ी मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने उक्त स्कूटी और पते पर नजर रखी। टीम की मेहनत आखिरकार रंग लाई और टीम ने आरोपियों को स्कूटी सहित पकड़ लिया। जगतपुरी पुलिस ने एक छात्र लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से दो चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। दरअसल पुलिस को एक स्कूटी चोरी होने की सूचना मिली थी। थाना जगतपुरी की सतर्क टीम ने इलाके में दो व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे चोरी के वाहन का ANPR कैमरों का उपयोग करके पता लगाया। चोरी की गई स्कूटी के चालक की पहचान विशाल उर्फ राहुल के रूप में हुई, जो चंदू पार्क में रहता है, जिसके बाद थाना जगतपुरी टीम विशाल को समर्पित प्रयासों के बाद थाना जगतपुरी की क्रैक टीम ने तेजी से पकड़ लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को MCD को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि MCD की वित्तीय स्थिति अनिश्चित है, यदि MCD खुद को संभालने में असमर्थ है तो दिल्ली के प्रशासन पर फिर से विचार करना पड़ेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नागरिक MCD की अक्षमता के कारण परेशानी में नहीं रह सकते हैं। इसे लेकर BJP पार्षद का कहना था कि केजरीवाल की MCD सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट का तमाचा है। दिल्ली MCD के कर्मचारी इतना परेशान हो गए थे कि सैलरी के मामले को लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कहा है कि आपसे सैलरी नहीं दी जा रही तो क्या MCD भंग कर देनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के हाथ में सत्ता आने के बाद भी लगातार निगम की वित्तीय स्थिति खराब से बदतर होती जा रही है। दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ तो हम निगम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे, इनके एरियर्स देंगे, इनको तनख्वाह समय से मिलेगी और पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी। लेकिन हालत ये हो गई है कि निगम के कर्मचारियों को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी निगम के कामकाज पे की है और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपसे काम नहीं चलता तो क्या निगम को भंग कर देना चाहिए। ये केजरीवाल और इसके शासन करने की प्रणाली पर एक जोरदार तमाचा जो है वो हाई कोर्ट ने मारा है। और मैं अपील करता हूँ केजरीवाल से कि दिल्ली सरकार से जो पैसा निगमों को मिलना चाहिए वो समय से दें, और जो एरियस कर्मचारियों के हैं जिसमें सातवें वित्त आयोग की जो सैलरी है वो देनी है, बहुत सारे एरियस हैं कर्मचारी को, बहुत सारे तनख्वाह के पैसे रुके हैं, जल्दी से जल्दी उन पैसों को देकर और निगमों को सुदृढ़ करना चाहिए। नहीं तो दिल्ली की जनता देख रही है इनके कामकाज को और आने वाले चुनाव में इसका बदला नहीं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CNN Live। नमस्कार।